dear students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Today I am going to teach you the word problems on addition and subtraction. Okay? अभी तक आपने जो word problems पढ़ी हैं addition की और subtraction में, उनमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपने separate करके उनको पढ़ा है. ठीक है, addition के word problems अलग पढ़ी हैं, subtraction की अलग से पढ़ी हैं. आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास में जो दोनों word problems हैं या फिर addition और subtraction है, वो अगर साथ में आ जाए तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं. तो मैं आप लोग को बताती हूँ, सबसे पहले अगर हमारे पास में दोनों कंडीशंस गिवन हो, एडिशन भी गिवन हो और सब्ट्रैक्शन भी गिवन हो, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके एडिशन के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राइट करना है एक तरफ, और जो सब्ट्रैक्शन के नंबर्स है उनको एक तरफ राइट करना है. ठीक है, दोनों को सेपरेटली राइट करने के बाद में उन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, पहले एडिशन वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स को राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ. ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको करना है सिंप्लीफिकेशन. कौन से नंबर का, 4516 - 200 + 700 - 3005. आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है. तो सबसे पहले आपकी जितनी भी एडिशन की प्रॉब्लम्स है उन सबको राइट कर लो. एडिशन यहाँ पर भी एडिशन है, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, तो आपको क्या करना है, वहां पे एडिशन का साइन यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन है 4516 + दूसरा एडिशन कहाँ पे है, ये रहा 700, हम यहाँ पे राइट करेंगे 700. और सब्ट्रैक्शन की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ राइट कर लिया हमने. ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करते हैं एडिशन के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इनको एक ग्रुप वाइज डिवाइड करना है. इसका तो हमने ग्रुप बना लिया, तो नॉर्मली ग्रुप बन जाता है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग होती है. ठीक है, ग्रुप बनाओ 4560 + 700, इन दोनों का ग्रुप बन गया. अब हमें सब्ट्रैक्शन का भी ग्रुप बनाना है, तो सब्ट्रैक्शन के ग्रुप के लिए पहले सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में ग्रुप का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे जो दोनों नंबर्स हैं उनको एडिशन के थ्रू राइट कर देंगे. क्या कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के बाद में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ब्रैकेट के अंदर, जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर क्या कर देंगे, एडिशन के थ्रू राइट कर देंगे. जैसे 200 + 3005, इस तरीके से उसको क्या कर देंगे, हम राइट डाउन कर देंगे. ठीक है, ठीक है, तो आपको पता चल गया सब्ट्रैक्शन का हम लोग कैसे ग्रुप बनाते हैं. पहले सब्ट्रैक्शन का साइन सामने लिखेंगे, उसके बाद में जितने भी हमारे नंबर्स है सब्ट्रैक्शन के उन सबको हम लोग इस तरीके से एडिशन के थ्रू राइट डाउन कर देंगे. ठीक है, या फिर आप लोग इसको सेपरेटली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हमारा पता ही आएगा. तो हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. 4560 में जब हम लोग 700 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0625, यानी कि 5260. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कौन से नंबर का, 200 + 3005, आंसर हो जाएगा 3205. अब हम करेंगे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग. सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5502, इट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा 2055. इस तरीके से हमारी जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी या फिर हमारी जो सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें सबसे पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे. और अगर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है तो उसके हम टू ग्रुप्स बनाएंगे, एक एडिशन का ग्रुप और एक सब्ट्रैक्शन का ग्रुप. सब्ट्रैक्शन एडिशन का ग्रुप तो हमारे पास में इजीली बन जाएगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन का ग्रुप है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्शन राइट करना है. यहाँ पे यहाँ सब्ट्रैक्शन राइट करके आपको अंदर आपके ब्रैकेट में जितने भी आपके सब्ट्रैक्शन के नंबर्स होंगे, यहाँ पे 2 की जगह 3 नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स है आपको उन सबको क्या करना है, एक रो में राइट डाउन करना है. ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया. ठीक है, उसके बाद में आपको इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को भी ऐड करना है.
ऐड करने के बाद में आप लोग क्या कर लोगे इसका सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन था, अब हम इसका एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3885 एंड 2507 फ्रॉम 9870। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्शन करना है किसके सम का, 3885 और 2507 के जो सम आएगा, इनके जो एडिशन आएगा उसके सम को 9875 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का पहले हमें क्या करना है, सम करना है, क्योंकि इन दोनों का जो सम आएगा उसको ही तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर कर लेते हैं द सम, सम इज 3885 प्लस 2507। ठीक है, दोनों का एडिशन करते हैं, एडिशन का आंसर कितना हो जाएगा। आप लोग ये जो एडिशन है वो अपनी रफ नोटबुक में पीछे की तरफ कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व आउट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर भी कंप्लीट राइट कर सकते हो, अगर आपको रफ नोटबुक में राइट नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर भी कंप्लीट राइट कर सकते हो। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 6392। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर हो गया हमारा भी। ठीक है, अब हमें करना है इसका जो सम है, मीन 6392 को 9875 में से सब्ट्रैक्ट। नाउ डिफरेंस इज, डिफरेंस इसके लिए हमें करना है 9875 में से 6392 को सब्ट्रैक्ट, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3483। आप लोग इसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आप लोग पीछे करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए किया है यहाँ पर सॉल्यूशन, बिकॉज आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, जैसे सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको इन टू नंबर्स का एडिशन करना है, उसके बाद जो एडिशन का आंसर आएगा, एडिशन के आंसर को क्या बोला जाता है, सम। तो आपको सम को क्या करना है, 9875 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो दोनों नंबर्स हैं जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है उसका पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद में इसका जो एडिशन आएगा उसको, ये जो लास्ट नंबर है फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है वो हमारा मीन एंड होता है। ठीक है, तो हमें मीन एंड में से जो हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि हमारा जो एडिशन का आंसर है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब आपके पास में एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको एडिशन भी करना होगा और सब्ट्रैक्शन भी, जिस तरीके से आपने इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में कुछ अलग तरीके से आएगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले मैं उसको आपको राइट करके बता दूँ, क्योंकि किस तरीके से आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपके वर्ड प्रॉब्लम है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, द एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ये, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6410। ठीक है, एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, 6410। इफ देयर आर, If there are 1973 women and 1459 children,
How many men are there in? How many men are there in village? ठीक है, ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। क्या क्या चीजें गिवन है हमें इसमें और किस तरीके से गिवन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, यानी कि एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 6410। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी चीजें गिवन होती है हम अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो लैंग्वेज के साथ में सॉल्व करते हैं, और लैंग्वेज के साथ में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है, जो भी क्वेश्चन हमारा, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो सारी हम लोग को नोट डाउन करनी होती है। तो हमें सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ विलेज गिवन है, हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल्स टू 6410। ठीक है, ये क्या है हमारे विलेज की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है देयर आर 1973 वुमेन्स। तो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं वुमेन्स आर 1973। और दूसरी चीज क्या है हमें गिवन, चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे चिल्ड्रंस कितने हैं, चिल्ड्रंस 1459। यानी कि टोटल पॉपुलेशन है वो तो है 6410, दूसरी हमें वुमेन्स गिवन है और चिल्ड्रंस गिवन है, और हमें मेन्स की वैल्यू पूछी गई है यानी कि मेन्स हमारे कितने हैं। तो हमें पता है जितनी वुमेन्स है और चिल्ड्रंस है अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद में उस एडिशन को कंप्लीट पॉपुलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि वहां पर कितने मेन्स हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो वुमेन्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने वुमेन्स हैं और इतने हमारे चिल्ड्रंस हैं, और फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने मेन्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेन्स और चिल्ड्रन को, सॉरी वुमेन्स और चिल्ड्रन को एडिशन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एडिशन। एडिशन के लिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम को। सबसे पहले हमें क्या करना है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ऐड करते हैं। तो वुमेन्स कितनी है हमारे पास में, 1973, और चिल्ड्रंस कितने हैं, 1459। एडिशन करो इन दोनों का, 2। ठीक है, 2, 3 + 9 = 12 के लिए हमने ऐड किया 2, और 1 को हम कैरी कर लेंगे। ठीक है, 1 + 7 = 8, 8 + 5 = 13, 13 के लिए हम 3 राइट कर देंगे और 1 को कैरी कर लेंगे। 1 + 9 = 10, 10 + 4 = 14, और 14 के लिए हम लोग 4 राइट कर देंगे और 1 को कैरी कर लेंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा 3432। तो यानी कि हमारे जो टोटल वुमेन्स और चिल्ड्रंस है वो कितने हैं, 3432। अब हमें फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन ऑफ मेन्स। ठीक है, तो मेन की जो पॉपुलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारी जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज है उसमें से वुमेन्स और चिल्ड्रंस की जो पॉपुलेशन आई है हमारी, एडिशन जो हमने किया है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं नाउ द पॉपुलेशन ऑफ मेन्स इज इक्वल्स टू, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6410 माइनस हमारी जो पॉपुलेशन आई है वुमेन्स और चिल्ड्रंस की वो कितनी है, 3432। अब हम लोग इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए साथ में। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 8, 7, 9, 2। ठीक है, 2978 ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी मेन्स की। हम लोग नीचे राइट डाउन कर देंगे, हेंस द पॉपुलेशन ऑफ मेन इज इक्वल्स टू 2978।
इस तरीके से हम लोग किसी भी जो क्वेश्चन है उसकी वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज राइट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें हमारी लैंग्वेज राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज गिवन था, हमें फाइंड करना था मेंस की पॉपुलेशन। हमें गिवन क्या गया था, वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन गिवन थी, तो हमने उन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। एडिशन का जो भी आंसर आया है उसको हमने टोटल पॉपुलेशन में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया पॉपुलेशन ऑफ मेंस। ठीक है, जब हमने इसको सबट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2978, और यही हमारी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मेंस। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज इन दिस सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।